हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ रोशन। सो आज हमारा कैल्सनिंग सीरीज का 4 वीक कंप्लीट हो चुका है। सो आज मैं आपको न्यू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। Day 13 से जो भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे उसके बाद हम यही स्ट्रेचिंग फॉलो करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट स्ट्रेच है स्टैंडिंग अल्टरनेट लेग फॉरवर्ड बेंड। तो पहले यहाँ से पैरों को थोड़ा आगे लेना है, हाथ नेक के पीछे, बैक स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, स्लोली गो डाउन एंड होल्ड। नेक्स्ट बैक लेग स्ट्रेट लंज स्ट्रेच। तो पहले आपको यहाँ से लेग स्ट्रेट करते हुए पीछे पुश करना है एंड नी एंड एंकल एक लाइन में रहना चाहिए। यहाँ से बैक बेंड एंड होल्ड। नेक्स्ट स्टैंडिंग पिजन पोज़। लेग को लिफ्ट करना है, नीचे का नी स्ट्रेट रखना है, एंकल को ग्रैब करके पुल करना है एंड थोड़ा सा आगे तरफ पुश एंड होल्ड। नेक्स्ट माउस पोज ऑन फ्लोर इन प्रोनेटेड। पहले टेबल टॉप पोजिशन पे आना है, आपका हिप एंड नी एक लाइन पे रहना चाहिए, हाथों को आगे लेके आना है, क्लोज रखना है एंड चेस्ट को नीचे पुश करना है, आगे देखना है एंड होल्ड। नेक्स्ट माउस पोज ऑन फ्लोर इन सुपिनेटेड। सेम टेबल टॉप पोजिशन पे आना है, हाथों को आगे रखना है इन सुपिनेटेड ग्रिप एंड सेम चेस्ट को नीचे पुश करना है, आगे देखना है एंड होल्ड। नेक्स्ट सीटेड फ्लोर असिस्टेड बैक साइड आर्म रेस्ट स्ट्रेच इन प्रोनेटेड। तो पहले नॉर्मल बैठ जाना है, यहाँ से हाथों को पीछे रखना है, हिप को आगे पुश करके लेग स्ट्रेट कर देना एंड होल्ड दैट। नेक्स्ट हमें सेम जो हमने प्रोनेटेड में किया था अभी सुपरनेटेड में करना है। सेम सुपरनेटेड में रखना है, हिप को रेस करके आगे पुश करना है एंड लेग स्ट्रेट एंड होल्ड दैट। नेक्स्ट डॉल्फिन पोज। पहले लो प्लैंक में आना है, यहां से शोल्डर को पीछे पुश करना है एंड होल्ड। नेक्स्ट टेबल टॉप डाउन साइड स्काई फेसिंग पाम रिस्ट स्ट्रेच। टेबल टॉप पोजिशन में आना है, देन आपका पाम स्काई की तरफ फेस करके, देन अगर आपका एल्बो स्ट्रेट में रख पा रहे हो तो थोड़ा सा फोल्ड करना एंड प्रेस करना। नेक्स्ट टेबल टॉप अपसाइड फ्लोर फेसिंग पाम रिस्ट स्ट्रेच। तो पहले टेबल टॉप पोजिशन पे आना है, देन आगे तरफ लीन करना एंड होल्ड। अभी हम नेक को स्ट्रेच करने वाले इन डायनल पोज अपसाइड स्ट्रेच। डाउन साइड स्ट्रेच। नेक्स्ट राइट साइड स्ट्रेच। लेफ्ट साइड स्ट्रेच। नेक्स्ट डायगोनल राइट साइड बेंड। डायगोनल लेफ्ट साइड बेंड। हमें हर स्ट्रेच को 30-30 सेकेंड होल्ड करना है।